सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पिजन मस्ती पे। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए थे कबूतर उड़ाए और कुछ भाई बोल भी रहे थे, भाई अपने घर के पट्ठों का उड़ान दिखाओ। ठीक है दोस्तों, इसमें से एक पट्ठा तो हमारा मैं उड़ा के देख चुका हूँ, लेकिन इसमें से ये दो अभी तक नहीं उड़े, तो आज उड़ाएंगे, देखेंगे, थोड़ी देर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ना उड़े। इसीलिए कबूतरों को धूप में निकाला है कि गर्मी से बच्चे थक जाएं और नीचे आ जाएं। तो दोस्तों, पहले इनको उड़ाते हैं। देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कबूतर हैं, जिसमें से 3 हमारे घर के बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले कबूतर उड़ाते हैं। उड़ाते हैं दोस्तों कबूतर। और सारे कबूतर गाइस बंद करके रखा है हमने, इन सबको अभी छोड़ा है, बाद में देखेंगे तो उन्हें भी निकाल देंगे। आप इनकी उड़ान देखो, काफ़ी टाइम हो गया था और हमने कबूतर उड़ाए भी नहीं थे। गाइस आप ज़रूर बताना, अभी इसमें से 3 हमारे घर के बच्चे हैं, वो कैसे उड़ रहे हैं। अभी एक को तो हमने उड़ा के देखा था, लेकिन 2 अभी हमारे पास नहीं उड़ा था, आज उड़ा रहे हैं। ये देखो दोस्तों, इधर ये चील भी, लेकिन कबूतर तुरंत हाइट पे चले गए। उसमें से हमारे कुछ 2-3 बड़े कबूतर भी हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको कभी भी अकेला नहीं उड़ाना चाहिए, उनके साथ में अपने पुराने कबूतरों को जरूर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों आप कमेंट्स करो कि हमें क्या चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए। भाई आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करो। ठीक है, काफ़ी अच्छा उड़ रहे हैं कबूतर, वो नहीं है, बच्चे भी काफ़ी ऊँचे चले गए हैं। अगर गाइस आप भी अपने नए कबूतर या फिर इन छोटे कबूतर को उड़ाया करो, तो जब पूरी धूप निकली हो, मौसम अच्छा हो, तभी उड़ाओ। क्या है, अगर सुबह के समय उड़ाओगे तो क्या है, मौसम ठंडा रहेगा तो कबूतर ज़्यादा जोर मारेगा, और ऐसे क्या है, धूप रहेगा तो कबूतर टाइम उसका कम हो जाएगा गर्मी के वजह से। कबूतर काफ़ी आसमान में चले गए, लेकिन सब साथ में उड़ रहे हैं, क्या पता कैमरे में भी आ रहा है कि नहीं। गाइस पूरा जूम कर दिया हूँ मैं, उसके बावजूद भी कैमरे में ये आए, ये देखो पूरा फुल जूम है, ये देखो आप, ये काफ़ी आसमान में चले गए कबूतर, ये देखो। बच्चे भी दोस्तों देखो, इस समय भी फिर कैमरे ने फोकस छोड़ दिया, या है। मैं दिखाता हूँ दोस्तों कितना जूम किया हुआ है, ये देखो आप, देखो कितना जूम है, ये देखो
देख रहे हो आप, ये देखो गाइस, पूरा जूम करने के बावजूद भी कबूतर नहीं दिख रहे। देखो अगर दोस्तों इन्हीं को अगर मैं सुबह में उड़ाऊंगा तो कबूतर काफी ज्यादा टाइमिंग मारेंगे। एक बच्चा अभी साइड हट गया है लेकिन वो दोबारा आ रहा है, और जो दो नए बच्चे को उड़ाया था वो तो साथ में उड़ रहे हैं बड़े कबूतरों के। देख लो भाई गाइस, वो साइड में एक बच्चा निकल जा रहा है। क्या है वो थोड़ा बीच बीच में आसमान पकड़ता है तो पलटी भी मारता है कबूतर, लेकिन वो वापस साथ में आ जा रहा है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा। और एक बच्चा शायद नीचे, देखो गाइस दोबारा से सब कबूतर साथ में आ गए हैं, ये रहे। दो चार पांच, पांच दिख रहे हैं। कैमरे में दोस्तों सिर्फ एक दिख रहा है, वो भी जूम करने पे, वो भी फोकस से हट जाए। गाइस इस समय पे एकाध कभी कभी दिख जा रहे, नहीं तो सब गायब हो गए कबूतर। तो दोस्तों अब बड़े जो कबूतर अंदर है उनको भी बाहर निकाल देते। क्या है अगर हमने अभी दो बच्चे, इसमें बच्चे तो तीन है लेकिन दो बच्चे को अभी हमने अभी तक उड़ाया नहीं था तो शायद भटके, वैसे तो भटकेंगे नहीं, ठीक है। तो खोल देते हैं, अगर उनको आना होगा तो आ जाएंगे। दोस्तों इन कबूतरों को भी निकाल देते। ये भी अपना बाहर आ जाए। और गाइस एक कबूतर हमारा जो बच्चा ही है, शायद काला बच्चा है ब्लैक वाला, वो शायद नीचे आ रहा है, ये दिख रहा है। दोनों साथ में, दो गाइस जो हमने दो बच्चे को पहली बार उड़ाया था, देखो ब्लैक वाला दिख रहा है, उसी के अगल बगल में व्हाइट वाला भी है। क्या है जूम करने पे पूरी पिक्चर फटने लगती है। ये देखो आप, वो आते हैं तो दिखाएंगे। काफी दोस्तों हाइट पे अगर पूरा वीडियो बनाने जाएंगे तो भाई बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। देखो दो बच्चे तो दिख रहे हैं हमें कैमरे में, क्या पता आ रहे हैं कि नहीं। गाइस कैमरे में नहीं आ रहे हैं अभी वो दोनों भी। ठीक है दोस्तों थोड़ी देर के लिए वीडियो स्टॉप कर देते, जब कबूतर ऐसा हो जाए दिखने पे आ जाए तब वो करेंगे। क्या अभी मतलब भी नहीं है वो करने का। ये देख लो कुछ बैठे हुए हैं हमारे सारे। ठीक है कुछ देर के लिए वीडियो स्टॉप कर देते। ये देखो गाइस 16-17 मिनट बाद ये कबूतरी हमारी दिख रही है शायद, और वो जो ब्लैक कलर का और एक बच्चा था वो दोबारा से ऊपर चले गए, और ये कबूतरी अभी नजर आ रही है तो सोचा वीडियो स्टार्ट कर दे। ठीक है ये देखो दोस्तों ये काफी नीचे आ गई है, काफी स्पीड से आ रही है। ये कहाँ गई, ये रही। ये देखो ये आ गई छत पे एकदम।
देखो दोस्तों, जो बैठे थे उनमें से भी दो तीन उड़ गए हैं। वो नीचे आ रही थी, उसको देख के उड़ गए कबूतर। उड़ने दो, कोई बात नहीं। अभी आके ये लोग तो बैठ जाएंगे, ये लोग नीचे आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों हमारे और सारे कबूतर नहीं दिख रहे। हमारे जो घर के पट्टे थे उनमें से तो एक भी भाई नजर नहीं आ रहा है कोई कबूतर। हम काफी आसमान में देख रहे लेकिन हमें खुद को नहीं दिख रहा, तो कैमरे में कैसे देख सकते। ये देखो, ये फीमेल है, ये आके बैठ गई है। और ये दोनों तो अभी अभी अपने आप उड़ गए थे। गाइस वीडियो स्टॉप कर देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। आप खुद देख लो चारों तरफ भाई, कबूतर बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है, हल्का फुल्का भी नज़र नहीं आ रहे हैं, इसलिए वीडियो स्टॉप कर देते हैं अभी। गाइस 20 मिनट तक हमने इंतज़ार कर लिया, एक कबूतर हमें दिखा था, सिर्फ एक, पाँच उड़ रहे, छः में से एक नीचे आ चुका है जो हमारी कबूतरी थी, लेकिन अभी पाँच चढ़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हमें एक कबूतर दिखा था, काफ़ी आसमान में था, लेकिन जैसे ही नज़र थोड़ी सी हटी वो कबूतर भी गायब हो गया। और हमारे ये कबूतर तो ये रहे, ये देखो दोस्तों, अभी भी वो लोग नहीं आए। और वो जो फीमेल थी वो इधर ही, वो शायद वो अंदर चली गई है। ठीक है तो दोस्तों दिखेंगे तब वीडियो वो करेंगे। देखो गाइस अभी एक भी कबूतर दिखे नहीं है। और यहाँ पे ये जो चील होते हैं इनका भी पूरा झुंड आके आसमान में मंडराने लगा है। तो दोस्तों ये सब होता है, आसमान में से भी कबूतर गायब हो जाते हैं, तो ये सब इनकी करतूत होती है। आप खुद देख लो कितनी झुंड है, देख रहे हो। अगर दोस्तों एक भी कबूतर इनके लपेटे में आया तो समझ लो वो आएगा नहीं, आसमान में से ही गायब हो जाता है। ये सब थोड़ा कबूतर उड़ाने पे डर होता है, ये सब भी कबूतरों के पीछे लपटने लगते हैं। और ये लोग भी काफी आसमान में उड़ रहे हैं, ये देखो, एक दो नहीं है, पूरी झुंड है इनकी। और कबूतर तो हमारा एक भी नहीं दिख रहा भाई इस समय पे। अब देखो उसके अंदर दो छोटे बच्चे थे, एक को तो हमने पहले भी उड़ाया था, काफ़ी उड़ चुका है एक बच्चा तो वो, लेकिन दो जो है वो पहली बार उड़े और वो लोग काफ़ी आसमान बंद हो चुके हैं, हमें ऐसे ही नज़र नहीं आ रहा है कैमरे में, क्या बताएं अभी। तो देखते किसकी वापसी होती है किसकी वापसी नहीं होती। भाई सारे आने चाहिए उसे, तो फिलहाल एक भी नहीं दिख रहे। ये देखो गाइस, आधा घंटा से ऊपर होने के बाद, आधा घंटा से भी ऊपर हो गया है। ये देखो हमारा एक बच्चा है शायद, नज़र आ रहा है, लेकिन ये अकेला है, इसके साथ में कोई नहीं है। यही बच्चा है जिसको हमने एक महीने से भी ज़्यादा हो गया उड़ाया था, बीच में इसको रोका हुआ है, लेकिन आज उड़ा रहे थे पुराने वाले, अरे नए बच्चों को, तो सोचा इसको भी उड़ाए साथ में। लेकिन ये तो नीचे आ रहा है, लेकिन और चार कबूतर नज़र नहीं आ रहे हैं आसमान में। मैंने दोस्तों दो बच्चे हमने दोपहर में उड़ाया था, इसीलिए कि वो शायद नीचे आ जाएंगे, लेकिन क्या है वो पहली बार उड़े हैं, थोड़ा था उड़े हैं, लेकिन इन कबूतरों के साथ उड़े हैं तो नीचे नीचे घूम फिर के आ जाते थे। अभी आसमान में पहली बार गए हैं वो लोग, इतना टाइम पहली बार लगा रहे हैं। और बीच में आपको मैंने दिखाया ही था, चील तो आसमान में से साफ हो गए हैं, देख लो आपको अभी आसमान में नहीं दिख रहे होंगे। आधे घंटे के बाद मैंने वीडियो कंटिन्यू किया, ये बच्चा दिखा तब मेरे को। ठीक है ये देखो दोस्तों, ये रहा, दोस्तों ये जो बच्चा है इसकी जो माँ है वो अभी उड़ रही है, और उसका बाप ये रहा, ये जो है ये अभी काफ़ी उड़ता है, लेकिन इसको जानबूझ के नहीं उड़ाया था, क्योंकि भाई इसको
उड़ाना मतलब सुबह से पहले मत उड़ाओ, अगर दोपहर में 2 बजे भी उड़ाने के बाद भी ये शाम को भी आने का कोई ठिकाना नहीं होता इसका, और बहुत लंबे में जाता है कबूतर, इसलिए इसको हमने उड़ाया ही नहीं था। अभी इसकी फीमेल उड़ा दिया था, लेकिन इसको अभी रहन दिया है। इसी का बच्चा है वो जो आ रहा है, ये देखो गाइस, अभी भी ये काफ़ी हाइट पे कबूतर, देखो अभी थोड़ा जूम वो कर रहा हूँ तब देख रहे हो, देखो कितने हाइट पे है, जूम कर देने पे ये दिख रहा है कबूतर, ये रहा इन गाइस, और सब तो एक भी नहीं दिख रहे। एक ब्लैक कलर का आ रहा था, लेकिन ब्लैक वाला बच्चा, लेकिन वो भी नहीं आया, वो भी आसमान में घुस गया है। और एक हमारा कासनी पट्टा है, वो भी आसमान में ही है, ये भी आसमान में ही था, ये तो अभी नज़र आ रहा है कबूतर, ये देखो दोस्तों दोबारा से देखो, ये जो चील है वो फिर से कुछ आ चुके हैं गाइस, यही होता है, ये लोग कबूतरों पे बहुत ज़्यादा टूटते हैं, कितने सारे आसमान में घुसे होंगे जो हमें नज़र भी नहीं आ रहेंगे, और कुछ कुछ तो नज़र आ रहे हैं, देखो कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, नीचे तो भाई बढ़िया फोकस कर रहा है, ये देखो ये तो हमारा बच्चा है, और ऊपर देखो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये कबूतर नहीं है चील है। चलिए देखते हैं क्या होता है, ये बच्चा तो आ गया भाई, ये रहा इसका, कोई दोस्तों ज़्यादा टेंशन नहीं था, वो जो 2 बच्चे हैं उनका ही थोड़ा फिकर है, क्या है वो अभी तक आसमान में नहीं घुसे कबूतर, इसको तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई इसको हमने 1 महीना उड़ाया है कबूतर को, काफ़ी अच्छा उड़ता है, और अपने छत पे इसको कुछ कबूतर रहे ना रहे डायरेक्ट अपने छत पे आता है ये बच्चा। अभी भी दोस्तों इसके पर अच्छे नहीं है, अगर आप ये देखो, आपने शायद इसकी पलटी देखी हो कैमरे में आई हो तो गाइस, कासनी वाला भी शायद इसके साथ में ही था, ये देखो अचानक से ये भी आके बैठ गया, ये दोस्तों हमको नजर नहीं आया ये कहां से आ गया, शायद बहुत तेज आ रहा होगा पीछे साइड से, ये कबूतर आया इसके जस्ट बैठने के बाद ही तुरंत ये भी आ गया ये बच्चा, ये देखो, लेकिन एक ब्लैक कलर का बहुत नया उड़ रहा है, उसका कोई पता नहीं, 3 कबूतर अभी भी हमारे आसमान में। दोस्तों ये जो कासनी बच्चा बैठा है ये भी उसी का है, जो मेल घुटर रहा है ना, दोनों बच्चे इसी के हैं, ये ब्लैक मुंडी वाला और ये, ब्लैक वाला भी आ जाता तो सही रहता, 2 कबूतरों का तो टेंशन नहीं है, बड़े कबूतर है वो, काफी टाइम मारे हैं और ज्यादा समय तक उड़े हुए कबूतर है वो, लेकिन ब्लैक वाला कबूतर का थोड़ा टेंशन है। वैसे दोस्तों उसकी भी पूरी उम्मीद है वो आएगा कबूतर, क्या है बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो गया था, चील उल भी आ गए थे, और कबूतर काफी आसमान में घुसे हुए हैं इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं, इसका तो दोस्तों हमने ऊपर से ही देख लिया था, ये ब्लैक वाले को ये बच्चा आ रहा है, लेकिन ये इसका हमें नहीं पता चला, ये उड़ रहा था आसमान में तो हम देखे थे इसको, लेकिन शायद ये भी इनके साथ में ही आ रहा था, लेकिन ये इधर घूम रहा था और ये वाला पीछे घूम रहा था, इसलिए पता नहीं चला कि ये बच्चा भी साथ में, मुझे लग रहा था एक ही आ रहा है, लेकिन दोनों आ रहे थे, क्योंकि दोनों समझ लो साथ में ही बैठे। दोस्तों अभी वीडियो स्टॉप कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, कोई दिखता है दोबारा से तो फिर से वो करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल किसी का आता पता नहीं है। गाइस काफ़ी टाइम के बाद 2 कबूतर और नज़र आए, लेकिन दोस्तों परेशानी की बात ये है कि एक हमारा जो घर का बच्चा था वो नज़र नहीं आ रहा है, देखो एक ही रहा और
और एक भी और एक शायद ये, हाँ ये है, ये देखो एक और एक ये। दोस्तों ये दोनों नीचे आ रहे हैं, ये दोनों बड़े कबूतर है। और एक जो हमारा ब्लैक कलर में बच्चा था वो भाई हमें नहीं दिख रहा है कि वो बच्चा कहाँ निकल गया। दोस्तों शायद बीच में चील का पूरा अखा झुंड आ गया था तो शायद बच्चा डर के इधर उधर हो गया होगा। अब क्या पता किस साइड निकल गया है, लेकिन फिलहाल में तो इधर नहीं है। ये देखो ये दो कबूतर तो नीचे आ रहे हैं। दोस्तों यही होता है जो हाई फ्लायर कबूतर होते हैं, ये आसमान में जाने के बाद अपना धीमे धीमे उतरते हैं। देखो दोस्तों वो बच्चा आता है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो भटक गया है, नहीं तो वो कबूतर भी आता, अच्छा कबूतर था वो भी। चलो कोई बात नहीं, आएगा तो आएगा, अब नहीं आएगा क्या कर सकते हैं। ये तो भाई अपना धीमे धीमे नीचे आ रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का कोई पता नहीं है। दोस्तों शायद वो उधर निकल गया है, हाँ वही बच्चा है, आपको शायद इसमें दिख रहा होगा। रुको कुछ कबूतर, दोस्तों देखो अपने कुछ कबूतर उड़ा दिए, क्योंकि वो शायद हमें दिख गया क्या है तो एक ब्लैक कलर में वो कबूतर है। भाई दूर चला जाता है तो पता भी नहीं चलता जंगली कबूतर उड़ रहा है कि वो, हमारे जो कुछ कबूतर उड़े नहीं थे उनको हमने उड़ा दिया है। अभी तो दिखना भी बंद हो गया, काफ़ी ज़्यादा उधर निकल गया लग रहा है। दोस्तों ये सब चीज़ हो जाती है अगर आपके कबूतर, छोटे कबूतरों को उड़ाने में थोड़ा रिस्क होता है जो कबूतर अभी तक उड़ा नहीं है। ये जो बच्चा देख रहे हो ना ब्लैक वाला, ये हमारे पास एक महीने से उड़ा हुआ कबूतर है, इसका कोई टेंशन नहीं था। ये कबूतर भी अभी कभी नहीं उड़ा था, पहली बार उड़ा था। ये देखो ये अखा झुंड मैंने उड़ा दिया, और ये जो दो नीचे उतर रहे हैं वो तो ऊपर है अभी, वो अभी धीमे धीमे जल्दी जल्दी आ रहे हैं इनके साथ में। लेकिन ये सब, ये देखो एक ये रहा एक ये रहा। दोस्तों बच्चा अभी भी थोड़ी देर के लिए मेरे को दिखा था, वो पक्का वही था, अगर इधर उधर होगा तो आने का पूरा संभावना है। वो बैठा तो नहीं है, उड़ रहा है वो बच्चा, देखो आता है कि क्या होता है। गाइस एक और फीमेल जो थी, ये देखो ये आके बैठ चुकी है, एक और ये आ रहा है, ये देखो। दोस्तों अब सिर्फ वही रह गया है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों वो आता है तब वीडियो कंटिन्यू करेंगे, अभी स्टॉप कर देते हैं। गाइस वो बच्चा अभी तक नहीं आया, लेकिन ये देखो जिनकी वजह से वो गया वो दोबारा से। भाई यार क्या पता क्या हो रहा है, बार बार चील की झुंड आ रही है, कैमरा यार फोकस नहीं ले रहा है। ये देखो आप खुद ही बताओ, पूरा फोकस नहीं ले रहा है। दोस्तों काफ़ी तेज़ी से वो लोग घूम रहे हैं ना इसके वजह से। ये देखो देख रहे हो, दोस्तों इसी की वजह से कबूतर देख के इधर उधर भागे और फिर कुछ आ गए अपने जगह पे इनके जाने के बाद, और वो शायद नहीं आ पाया, वो दूर निकल गया था। देख लो एक दो नहीं, मतलब गिनती नहीं है, इतने सारे हैं ये देखो। ये लोग दोस्तों कबूतरों पे काफ़ी ज़्यादा अटैक करते, और वो बेचारा हमारा एक घर का बच्चा था वो आया नहीं, आ जाए तो अच्छा है। भाई देखो क्या होता है, अभी भाग गया है वो। दोस्तों ये देखो आते समय पे वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि अकेले था छत पे, काफ़ी दूर से, क्या ये तो थोड़ा दूर उड़ते हैं तो जंगली जैसे दिखते हैं, तो काफ़ी दूर था
लेकिन इसके उड़ने से पता चल रहा था कि हमारा ही बच्चा है घर का, तो दोस्तों थोड़ा फड़ाकड़क दे रहा था कि शायद देख के आ जाए, और ये तुरंत कबूतर ने देखा और तुरंत आ गया। देखो दोस्तों, वैसे ये आ ही रहा था उधर, इस साइड में नहीं आ रहा था, लेकिन उधर से इतने दूर पे आ गया था, वैसे दिख नहीं रहा था बच्चा। तो दोस्तों आपने देखा कि हाई फ्लायर कबूतर को उड़ाने से क्या होता है। दोस्तों ये हमेशा नहीं होता, आज देख लो, इस समय भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो चारों तरफ आसमान में देख लो भाई, आसमान पूरा खुला है, लेकिन कबूतर उड़ते हैं तो अचानक से आज क्या पता क्यों बार बार जो चील बेरी रहते हैं बार बार अटैक कर रहे थे कबूतरों पे। तो दोस्तों इसीलिए कबूतर उड़ाने से पहले कबूतर को अपने छत पे टिकाना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों ये बच्चा काफ़ी दूर निकल चुका था, और क्या है ऐसे कबूतरों को पहचानना भी मुश्किल होता है, दूर से भाई जंगली जैसे दिखते हैं, वाइट रहता है तो पहचान में आ जाता है कि पालतू ही कबूतर है। लेकिन दोस्तों इसके उड़ने से पता चल जा रहा था कि हमारा ये, ठीक है, ऊपर ही उड़ रहा था कबूतर, अपना घर ढूंढ रहा था, थोड़ा सा फड़क दिया आ गया। क्योंकि दोस्तों आप भी अगर आपका कबूतर काफ़ी दूर निकल गया हो तो तुरंत फड़क दे के अगर नया कबूतर हो तो बुला लिया करो। गाइस आप खुद देखो छत पे, जब हम कबूतर उड़ाए थे तो भाई पूरा छत पे धूप था, इस समय पूरा छाया आ चुका है। कबूतर हमने 1 बजे उड़ाया था और इस समय 5 बज रहे हैं। कुछ कबूतर हमारे 1-2 घंटे उड़े उसके बाद आए, और जो हमारे लास्ट 2 कबूतर उड़ रहे थे वो भाई 4:30 बजे के लगभग में आए, 4:30 में, और ये 1/2 घंटे से जब हमने आपको बोला था कि शायद वही उड़ रहा है उधर फड़क देने के लिए, तो दोस्तों तब से ये कबूतर हमें दिखा था। और जैसे ही मैंने वीडियो क्लोज किया कि अच्छे से देख के मैं कबूतर उड़ा दूँ, वो देख के आ जाए, दोस्तों तब से कबूतर गायब हो गया, शायद और ज़्यादा आगे निकल गया था कबूतर, ठीक है। और दोस्तों ये सब कारनामा हुआ भाई, आपको मैंने पहले ही दिखाया कितने सारे चील के झुंड आ गए थे, तो ये लोग भाई देख के इधर उधर हो गए, लेकिन कबूतर सब अपना घर पहचानते थे इसलिए सब रिटर्न आ गए। और ऐसा भी नहीं है कि जिधर ये कबूतर निकला था उधर काफ़ी लोग कबूतर पालते हैं, एक तो काफ़ी नज़दीक में पालता है और 3-4 लोग हैं जो उस साइड में कबूतर पालते हैं, तो उधर से भी दोस्तों कबूतर उड़ा रहे थे, लेकिन आया ये, चलो नसीब अच्छी थी घर पे वापस आ गया बच्चा। तो दोस्तों प्लीज़ भाई इस वीडियो को ज़रूर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। क्या जो उड़ान की वीडियो होती है गाइस, बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्या छत पे बैठना पड़ता है जब कबूतर उड़ाओ तो, और देखना पड़ता है भाई कौन सा कबूतर दिख रहा है कौन सा नहीं, एक तो ऊपर देखते देखते गर्दन में दर्द हो जाता है, इतने ऊंचे उड़ते हैं ये लोग, ठीक है। तो प्लीज़ भाई आप लोग लाइक कर देना और कमेंट्स तो ज़रूर ही करना कि हमें किस चीज़ पर वीडियो बनाना है। गाइस आप लोग को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें 2K सब्सक्राइबर्स फैमिली भी करवा दी इतनी जल्दी। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारी जो फैमिली है उसको ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे और बड़ी बनाते रहोगे। तो जो जो भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ भाई लाल वाला जो आइकन आता है सब्सक्राइब लिखा हुआ, प्लीज़ भाई दबा दो, जिससे कि आप भी हमारे फैमिली के मेंबर हो जाओ, ठीक है। गाइस वो बिल्कुल फ्री होता है, प्लीज़ बोल रहा हूँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़ जाओ, आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से कोई और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।